इस लेक्चर में मैं आपको गेट 2014 का एक क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। आई थिंक ये ट्रिपल ई का ही क्वेश्चन है, ईसीई का नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ, ठीक है। सो वो कंसेप्ट आपका ये है। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है, आप फोर ईयर सीरीज़ में मैं आपको बताऊँगा, फोर ईयर सीरीज़ एक्सपेंशन में अगर आप किसी भी सिग्नल का फोर ईयर सीरीज़ एक्सपेंशन लिखते हो, देन आपको एक उसके अंदर एक डीसी टर्म होती है प्लस कॉस प्लस साइन टर्म्स होती है, ठीक है, कॉस एंड साइन टर्म्स। अब ये जो डीसी टर्म होती है, किसी भी एक्सटी सिग्नल का फोर ईयर एक्सपेंशन लिखोगे सो उसमें डीसी टर्म होगी प्लस कॉस एंड साइन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज, ठीक है। ये जो डीसी होता है दिस इज एवरेज, और इसको डीसी वैल्यू भी बोलते हैं, ऑफ सिग्नल एक्सटी, ठीक है। सो ये जो डीसी टर्म होगा, ये जो कांस्टेंट टर्म होगा, ये टाइम इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, और ये एवरेज वैल्यू भी है सिग्नल का, ठीक है। एवरेज किसी सिग्नल का कैसे निकालते हैं मैं आपको बता चुका हूँ, एवरेज मतलब एरिया अंडर टी नॉट डिवाइडेड बाय टी नॉट, ठीक है। सो ये मैं आपको बता चुका हूँ। सो एक तो ये कंसेप्ट है जो इस क्वेश्चन में यूज होगा, एंड द अदर कंसेप्ट इज एक चीज होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इंटीजर फंक्शन। तो ये किस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा जाएगा, ठीक है। वाई इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये किस तरह से होता है, सपोज ये आपका वाई एक्सेस है, वाई एक्सेस वाई इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये आपका x है, ठीक है, x एक्सेस। सो सपोज ये इंटीजर है ना, सो आपको इंटीजर पे ही ध्यान देना है, 2, 3, 4। सो ये क्या कहता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये कहता है इफ x इज इन द रेंज 0 to 1, ठीक है, इफ x बिलोंग टू 0 to 1, देन y which is greatest integer function x is equals to lowest integer in the range considered. So ये आपने range considered किया, ठीक है। So what is the lowest integer value, ये 0 होगा, ठीक है। So इस range में y कितना होगा, 0। Now if x belong to 1 to 2, ठीक है, So 1 से 2 में y is equals to what, greatest integer x, ठीक है। सो नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर है, बट वैल्यू क्या लेना होता है, अगर 1 से 2 में हो आप तो 1 लेना होगा, ठीक है। नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर है बट वैल्यू क्या लेना होगा, स्मॉलेस्ट, ठीक है। सो 1 से 2 में हो तो 1 लेना है, 2 से 3 रेंज में हो सो आपको क्या लेना है, सॉरी 2 लेना है, 3 से 4 रेंज में हो आप सो आपको y इज इक्वल्स टू 3 लेना है, ठीक है, इस तरह से। सो ये बात होगी 0 से 1 में, 0 से 1 रेंज में x 0 से 1 जब तक है देन y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर उसके बाद जब 1 से 2 में है देन y इज इक्वल्स टू 1, सपोज दिस इज 1। फिर 2 से 3 रेंज में लोएस्ट इंटीजर क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है बट वैल्यू क्या लेना है, लोएस्ट, सो ये 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 3 से 4 में ये 3 हो जाएगा, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। सो आपको समझ आ गई ये बात। नाउ अब यही चीज़ आपको यूज़ करनी है अगले क्वेश्चन में, बट उसमें क्या है, उसमें आपका जो फंक्शन है डैट इज़ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। नाउ अब ये 0 से 1 में क्या होगा, x अगर 0 से 1 में है देन दिस फंक्शन वुड बी 0, दैट मीन्स x माइनस 0, फिर ये x माइनस 1 होगा, ठीक है। सो अगर x 0 से 1 में है देन दिस इज इक्वल्स टू 0, अगर 1 से 2 रेंज में आप चल रहे हो देन दिस फंक्शन इज इक्वल्स टू 1, और अगर आप 2 से 3 में हो देन दिस इज 2, ठीक है। फिर अगर आप
3 से 4 रेंज में हो, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट, देन दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, सो ये चीज है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस तरह से प्लॉट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ये किस तरह से प्लॉट करना होगा, इफ वाई इज इक्वल्स टू, अब इसको भूल जाओ, ठीक है, इफ वाई इज इक्वल्स टू दिस देन हाउ विल यू प्लॉट वाई, हाउ विल यू प्लॉट ग्राफ ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, आपको पता है 0 से 1 रेंज में आपको y इज इक्वल्स टू x लाइन बनाना है, 1 से 2 रेंज में आपको x माइनस 1 लाइन बनाना है, 2 से 3 रेंज में आपको y इज इक्वल्स टू x माइनस 2 ड्रॉ करना है, एंड 3 से 4 में x माइनस 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, सो ये दूसरी चीज़ थी। अब थर्ड जो मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ वो ये है, मैंने आपको बताया था शिफ्टिंग का केस। ठीक है, सो शिफ्टिंग का केस जो है अभी तक क्या चल रहा था हमारे पास, टी एक्सेस चल रहा था। ठीक है, बट अब जो है वो एक्स के फंक्शन की बात हो रही है। सो पहले टी का फंक्शन था जो हम बात कर रहे थे, बट अब एक्स का फंक्शन है, दैट मीन्स हम एक्स एक्सेस के हिसाब से बात कर रहे हैं। ठीक है, सो शिफ्टिंग एक्स एक्सेस में होगी। फॉर एग्जाम्पल हम टी माइनस वन करते हैं, टी टेंड्स टू टी माइनस वन, माइनस वन मीन्स आप कौन सी डायरेक्शन, ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव मीन्स आप पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहे हो ग्राफ को। ठीक है, बाय वन यूनिट। बट अब एक्स एक्सिस की बात चल रही है ना, अब टी एक्सिस से एक्स एक्सिस होगी, दैट मीन्स अगर आप इस तरह से लिखते हो एक्स टेंड्स टू एक्स माइनस वन, इट मीन्स आप किस तरफ शिफ्ट कर रहे हो, वन यूनिट इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, सो ये चीज़ है। ठीक है, पहले ये टी टेंड्स टू टी माइनस वन मीन्स शिफ्टिंग एज पर टी एक्सिस, एक्स टेंड्स टू एक्स माइनस वन मीन्स शिफ्टिंग एज पर एक्स एक्सिस। अब जो फंक्शन है वो आपका x के रेस्पेक्ट में है, दैट मीन्स आपकी x एक्सिस है, t एक्सिस नहीं है। सो आपको इस तरह से करना है, y इज इक्वल्स टू x किस तरह से ड्रॉ करते हो आप, इस तरह से ड्रॉ करोगे, y इज इक्वल्स टू mx, m इज इक्वल्स टू 1 बाय कंपैरिजन, m इज इक्वल्स टू 1 मीन्स थीटा, दैट इज स्लोप एंगल इज इक्वल्स टू 45। ठीक है, tan 45 इज इक्वल्स टू 1, थीटा कितना होता है, tan इनवर्स स्लोप। ठीक है, सो ये आपका 45 डिग्री होगा। नाउ ये क्या है, y इज इक्वल्स टू x। ठीक है, दिस इज y एक्सेस एंड दिस इज x एक्सेस। नाउ आपको ड्रॉ करना है x, y इज इक्वल्स टू x माइनस 1, x आपके पास है, x माइनस 1 मीन्स x टेंड्स टू x माइनस 1। ठीक है, सो आपको y इज इक्वल्स टू x माइनस 1 ड्रॉ करना है। ठीक है, ये क्या है, इस ग्राफ से y इज इक्वल्स टू x माइनस 1 किस तरह से ड्रॉ करोगे आप, ये इस तरह से आप ड्रॉ करोगे। आपको दो पॉइंट्स निकाल के लाइन ड्रॉ नहीं करना है, आपको इसी लाइन से ड्रॉ करना है, इस लाइन की हेल्प से आपको ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ड्रॉ करना है। सो आप किस तरह से करोगे, y इज इक्वल्स टू x आपके पास था, x टेंड्स टू x माइनस 1 मीन्स शिफ्टिंग बाय 1 यूनिट, माइनस 1 मीन्स पॉजिटिव शिफ्ट। ठीक है, शिफ्टिंग इन पॉजिटिव बाय 1 यूनिट। ठीक है, सो सपोज दिस इज योर 1, तो आपका जो ग्राफ है वो 0 से 1 पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही x माइनस 2 क्या होगा, ये होगा y इज इक्वल्स टू x माइनस 1, ऐसे ही आपका y इज इक्वल्स टू x माइनस 2, y इज इक्वल्स टू x माइनस 3, y इज इक्वल्स टू x माइनस 4 एंड सो ऑन। ठीक है, सो आपका इस तरह से ग्राफ चलेगा। ओके, नाउ अब सपोज y इज इक्वल्स टू x, आपको कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ करना है, ओनली बिटवीन 0 एंड 1, सो ये पार्ट खत्म हो जाएगा ना। ठीक है, 0 से 1 तक ही ड्रॉ करना है, सो ये आपका पार्ट हुआ। ठीक है, दिस इज योर ग्राफ। फिर उसके बाद यहाँ पे आ गए हम, अब 1 से 2 तक आपको y इज इक्वल्स टू x माइनस 1 ड्रॉ करना है, दैट मीन्स इस तरह से आपका ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से 3 में आपको y इज इक्वल्स टू x माइनस 2 ड्रॉ करना है, दैट मीन्स दिस इज योर नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपका क्या होगा, y इज इक्वल्स टू x माइनस 4, इस तरह से आपका चलता रहेगा। नाउ अब मैं आपको डायरेक्टली कॉपी से बताऊंगा। ठीक है, मैंने आपको क्या क्या बताया,
फोरियर सीरीज में द कांस्टेंट टर्म इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द सिग्नल। तो मैंने सेकंड आपको क्या बताया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, इफ एक्स बिलोंग टू 0 to 1 देन वाई इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ द इंटीजर वैल्यू इन द रेंज। ठीक है, सो अगर एक्स 0 से 1 तक है देन मिनिमम इंटीजर क्या होगा, 0, सो ये 0 हो गया। 1 से 2 तक मिनिमम क्या है, 1, सो वाई इज इक्वल टू 1 होगा। इस तरह से आपका चलता रहेगा। फिर हमारा इस क्वेश्चन में वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ये आपका फंक्शन है। दैट मीन्स 0 से 1 तक ये कितना है, 0, 1 से 2 तक ये 1 होगा, 2 से 3 तक 2, 3 से 4 तक 3। सो वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 0 इक्वेशन फ्रॉम 0 टू 1, एक्स माइनस 1 फ्रॉम 1 टू 2। इस तरह से मैंने आपको ड्रॉ करके बताया, वाई इज इक्वल टू एक्स फ्रॉम 0 टू 1, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 फ्रॉम 1 टू 2, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 फ्रॉम 2 to 3, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 फ्रॉम 3 to 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये जो आपके पास ग्राफ आएगा इस तरह से, ये जो ये ब्लेड टाइप का ग्राफ है, ठीक है, इसका आपको एवरेज वैल्यू निकालना है। ठीक है, सो अब मैं कॉपी से समझाता हूँ, उससे टाइम आपका बच जाएगा। जो भी बताना था इम्पोर्टेंट वो मैंने आपको यहीं पे बता दिया। सो द क्वेश्चन इज इफ दिस इज द फंक्शन एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, फाइंड द एवरेज वैल्यू। ठीक है, फाइंड द एवरेज वैल्यू, ये हमने क्वेश्चन खुद से बनाया है, बट एक्चुअली में गेट ने किस तरह से दिया था, गेट ने बोला था दिस इज द फंक्शन एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म इन द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ दिस सिग्नल इज इक्वल टू वॉट। कॉन्स्टेंट टर्म मीन्स एवरेज वैल्यू ऑफ जी एक्स, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कॉन्स्टेंट टर्म इन फोरियर सीरीज एक्सपेंशन इज इक्वल टू डी सी वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ द सिग्नल। सो ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये जो सिग्नल उसने दिया हुआ है, सबसे पहली बात आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पता होना चाहिए। दूसरी बात, फिर पता होने के बाद आपको ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है, सो मैं आपको बता चुका हूँ, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 10, ठीक है, एक्स एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स तो एक्स ही रहेगा, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स जो है वो चेंज करेगा एज वी प्रोसीड थ्रू डिफरेंट डिफरेंट रेंज। फॉर एग्जाम्पल, एक्स हमने 0 से 1 तक लिया, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 होगा, और ये आपका फंक्शन क्या होगा इस रेंज में, फंक्शन का एक्सप्रेशन क्या होगा, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब जी एक्स से कन्फ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं वाई इज इक्वल टू एक्स ले लेता हूँ। ठीक है, नाउ इन द रेंज 1 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स दिस सिग्नल इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। ठीक है, 2 से 3 तक ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वुड टेक द वैल्यू 2, दैट मीन्स जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। ठीक है, एंड सो ऑन। सो 0 से 1 तक आपको वाई इज इक्वल टू एक्स ड्रॉ करना है, फिर 1 से 2 तक एक्स माइनस 1 ड्रॉ करना है, 2 से 3 तक एक्स माइनस 2 ड्रॉ करना है। सो वाई इज इक्वल टू एक्स को ड्रॉ करो, उसको शिफ्ट करो, एक बार शिफ्ट करोगे एक्स माइनस 1 मिल जाएगा, उसी ग्राफ को शिफ्ट करोगे एक्स माइनस 2 मिल जाएगा, उसी ग्राफ को शिफ्ट करोगे एक्स माइनस 3 मिल जाएगा। ठीक है, सो नाउ दिस इज योर ग्राफ, वाई इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, ये वाई इज इक्वल्स टू एक्स लाइन है। ठीक है, नाउ एट एक्स इज इक्वल्स टू 1, वॉट इज द वैल्यू ऑफ वाई, 1। ठीक है, सो ये 1 पे आप ये 1 तक ही ड्रॉ करना है, बिकॉज आप 0 से 1 तक 1 की रेंज में हो। नाउ आपको y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 लाइन ड्रॉ करनी है फ्रॉम ओनली बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 फ्रॉम 1 टू 2, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 फ्रॉम 2 टू 3। सो इसको ही शिफ्ट कर देना है बाई 1 यूनिट, तो आपको x माइनस 1 मिल जाएगा। नाउ x माइनस 1 को 1 से शिफ्ट करोगे, सो आपको x माइनस 2 मिल जाएगा, फिर 1 से शिफ्ट करोगे तो ये फिर से मिल जाएगा। सो आप क्या नोटिस कर रहे हो, दैट दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद टी नॉट इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये जो पार्ट है वो बार बार रिपीट हो रहा है, दिस पार्ट इज रिपीटिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, सो टाइम पीरियड इज 1 सेकेंड। ठीक है, नाउ वॉट इज एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू मीन्स एरिया अंडर टी नॉट डिवाइडेड बाई टी नॉट। ठीक है, सो वॉट इज एरिया अंडर टी नॉट, हाफ बेस इन टू हाइट, सो हाफ बेस इज 1, हाइट इज 1, दैट मीन्स हाफ इंटू 1 इंटू 1।
डिवाइडेड बाय 1 बिकॉज टी नॉट इज इक्वल टू 1, ठीक है. सो एरिया अंडर टी नॉट इज हाफ डिवाइडेड बाय टी नॉट विच इज 1, दैट मीन्स एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू हाफ, ठीक है. सो 0.5 इज योर आंसर, ठीक है. इस तरह का क्वेश्चन गेट 2017 में भी आया था, ठीक है. मेरे ख्याल से आपका इलेक्ट्रिकल में आया था, ठीक है. इसी वालों को मेरा पेपर याद नहीं है. सो इस तरह का जो फंक्शन है वो आपको बनाना आना चाहिए. इस साल जो क्वेश्चन आया था उसमें ये था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं था, कुछ शायद स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन करके था. एंड यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसने डिस्क्राइब नहीं किया, ठीक है. बट जो इस साल पेपर आया था उसमें उसने फंक्शन को डिस्क्राइब किया था कि ये फंक्शन किस तरह का होता है, ठीक है. सो यू डोंट नीड टू नो व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और द फंक्शन विच ही मेंशन्ड इन द रिसेंट पेपर, ठीक है.